एक्सीडेंट से महिला की मौत होने के मामले में आया नया मोड़। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का परिजनों ने लगाया आरोप। हृदय गति रुकने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को मृतक दर्शाया गया है। परिवार वाले लोगों ने बताया कि 11,000 की लाइन की चपेट में आने से महिला की हुई थी मौत। पोस्टमार्टम हाउस और थाने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है। 13 अगस्त को नेहा पत्नी रत्नेश कुमार की विद्युत करंट लगने से हुई थी मौत। परिवार के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया था विरोध प्रदर्शन। पोस्टमार्टम गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के नगला किहरी का है। आप इतने लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, क्या पूरा मामला? मामला सर ऐसा है कि हमारे छोटे भाई हैं, उनके लड़के की पुत्र वधु, उनकी मतलब बिजली उससे खत्म हो गई 11,000 लाइन से। बिजली से एक बंदर टिफिन लेके गया है और पीछे बहू गई है और जाकर के उनके मकान पे पहुंची है। उसको मकान के ऊपर 3 फुट ऊंचाई पर लाइन थी। वो लाइन का ना ध्यान देकर के टिफिन के पीछे भागी वो ले जा, जैसे वो गई उसको झांक के देखा बंदर नीचे उतर गया और वो टच हो गई उसने 11,000 में। तुरंत हाथ लगा उसका, हाथ भी जल गया और उसके यहाँ बाल भी जल गए और वो एकदम लाइन कटी, वो धराम थानी गिर गई। किस गाँव का पूरा? नंगला कैरी का ये मैटर सर। थाना कौन सा? थाना बेबर पड़ता है। आप लोग यहाँ आए जिलाधिकारी शिकायत करने, अब किस बात को लेकर? हम इसलिए आए हैं कि यहाँ से जो पोस्टमार्टम हुआ सर, उसकी रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट में ये दिया है, थाने की रिपोर्ट में ये मिला है सर कि ये बिजली से कोई इसका संबंध नहीं रहा, ये हार्ट अटैक से बहू मरी है। तो हम साहब इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार मतलब कुछ हमारा फैसला करे। ये बारे बारे बच्चे, ये मेरा नाती है, ये एक नाते ने, एक ये नाते ने, ये भतीजा है, इनकी बहू है, इनकी बहू है, ये सर है। तब क्या चाहते हैं आप? हम ये साहब न्याय चाहते हैं साहब, मौका मायना किया जाए साहब सर। ये अटैक से मरी है या बिजली से मरी है? अटैक से। आपके अनुसार मौत विद्युत करंट से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखाया सर। बस यही है, मैं फैसला चाहता हूँ मौका का मायना किया जाए सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई है? हाँ जी जी। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे साहब, वो तो सरकार जाने, सरकार क्या करेगी साहब, हमारी क्या ताकत? हम तो एक पब्लिक इंसान है, हम क्या करेंगे? हम न्याय चाहते हैं। धरना देंगे, बाबा जी के पास घुमाएंगे। क्या नाम बाबू आपका? अनुरुद्ध कुमार। कहाँ रहते हैं? नंगला केरी। क्या पूरा मामला है जिलाधिकारी कार्यालय? पूरा मामला ये है कि एक महिला थी जो नेहा यादव नाम से, वो अपने घर पे खाना बना रही थी, अचानक पीछे से बंदर आया और अलवारी में टिपन रखा था जिसमें पैसे रखे हुए थे। बंदर टिपन को उठा के भाग गया। पड़ोस में बलवीर सिंह नाम व्यक्ति का मकान बना हुआ था, उस पर बंदर चला गया। महिला पीछा करती हुई बंदर का उस मकान पे गई। उस मकान के ऊपर हाई टेंशन लाइन 11,000 की निकली हुई है, जो मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। उस मकान को महिला ने जैसे ही टिपन उठाने की कोशिश की, वैसे ही उसमें 11,000 लाइन में उनका सिर और हाथ टच हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के कारण जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत किया, चेंज किया गया है, बिजली से मृत्यु हुई है, उसमें हार्ट अटैक दिखाया गया है। क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या कहाँ गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी इसमें हुई है, इसका मकान है बलवीर सिंह नाम के व्यक्ति का और उसका एक नाती है गौरव कुमार, उनके द्वारा उस रिपोर्ट में छेड़छाड़ कराई गई है। मकान कब बना था? मकान अभी 2 साल के अंदर बना हुआ है। और लाइन कितने? लाइन 40 साल पुरानी है, अवैध तरीके से मकान बनाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको, बलवीर सिंह दोषी है या बिजली विभाग? बलवीर सिंह दोषी है और उसमें उचित में बिजली विभाग भी दोषी है, क्योंकि 2 साल पुराना 2 साल मकान बने हुए हैं जो कि बिना परमिशन मकान बनाया गया है, उसको उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रिपोर्ट में जो छेड़छाड़ कैसे जानकारी दी आप लोग, कब जानकारी? रिपोर्ट मिलने के बाद क्या दर्शाया गया उसमें? हार्ट अटैक, हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है। और वैसे रियल घटना क्या हुई है? घटना ये है कि उसकी मृत्यु 11,000 लाइन से टच होने के कारण हुई है। कब की घटना? कब की? ये मंगलवार की 13 तारीख सुबह 8 लगभग 8:30-9 बजे के टाइम की घटना।